यार वैसे तो बहुत सारे किरायेदार हमारे घर पे आ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोई मुनासिब किरायेदार हो तो उसको ये कमरा दे दूँ ना, वो रहते रहे यहाँ सुकून से। आओ कमरा दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये देखें भाई, ये है आपका कमरा। सही है, कमरा तो सही है, वेल डेकोरेटेड है। वैसे तो कमरा सही, बस इसमें एक मसला है। कि क्या मसला है भाई? बल्ब है ना, ये खुद का खुद जलता हुआ है। क्यों क्यों, क्या भूत तो नहीं है? ये भूत है। भूत क्या मतलब भाई? अरे यार पहले मजाक कर रहा हूँ, वो स्विच बोर्ड है ना वो खराब है। अरे तो ऐसे बोलो ना, क्यों डरा दिया बिला वजह? तो स्विच बोर्ड बनवाते क्यों नहीं? तुम आ गए हो तो बन जाएगा। चलो ठीक है, इसको बनवाओ। काम करो, मैं जाता हूँ। अच्छा इस रूम में कौन है? इस रूम के बारे में सोचना भी नहीं। क्यों भाई? ज्यादा सवाल नहीं करो, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। अल्लाह हाफिज। चलो यार बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। कमरा तो सही मिल गया है, बस जो है ना हाय हाय। ये लाइट को क्या हो गया? ओह यार स्विच बोर्ड खराब है। स्विच बोर्ड का बोला था आपने? वैसे भाई साहब आपका बोर्ड बिल्कुल ओके है। फिर तो ये लाइट ऑफ होना क्यों होती है ये बार बार? लगता है घर में कोई प्रॉब्लम है। क्या 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 बोल रहे भाई, क्या मसला है? तो भूत वगैरह हो क्या पता? अरे नहीं करो यार। अरे मजाक कर रहा हूँ, बोर्ड ओके होगा कोई इशू? अरे यार आप भी डरा रहे हो, देख लो इसको। नहीं नहीं बोर्ड बिल्कुल ओके भाई, आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले, बिल्कुल ओके। मैंने सही कर दिया, वैसे मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल ओके बोर्ड, बोर्ड बिल्कुल ओके ठीक है। और बाकी कोई प्रॉब्लम होगा आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या वहम है मेरा। कौन कौन है? कौन कौन? मैं हूँ। अबे चाचा तुमने तो ड्राइव दिया, नीचे क्यों बैठे हुए? मैं खड़ा नहीं रह सकता, मेरे कमर में दर्द हो रहा था इसलिए मैं बैठ गया। ओए हाँ क्या काम है बोलो? काम तो कोई नहीं था, बस कोई जरूरत हो तो बता देना। और हाँ इस कमरे के बारे में बिल्कुल भी सोचता नहीं और ना उधर देखना। आगे क्यों भाई? ज्यादा सवाल नहीं, जितना कहा है उतना सुनो। अच्छा ठीक है ठीक है। कौन? मैं तुम्हारे बराबर रूम पे रहता हूँ। मैंने सुना कि तुम नए आए हो तो तुम्हें वेलकम करने आया हूँ। मालिक मकान तो कुछ और कह रहा था आपके बारे में। अरे छोड़ो वो पागल है, तो ये शरबत पियो। नहीं नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे बेटा मैं इस घर में अकेला रहता हूँ और तुम आ गए हो तो मेरी सुनसान जिंदगी भी आबाद हो जाएगी। अगर तुम्हें कोई परेशानी तो मैं शरबत ही वापसी ले जाता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आए आप अंदर बैठे सर। और कितने साल हो गए? 10 साल हो गया।
चाचा तुमने तो कहा था कि उस कमरे की तरफ नहीं देखना, वो चाचा तो खुद ही मिलने के लिए आ गया। ठीक आ गया भाई, वो जो चाचा रहते थे ना उनका अरसा दराज हुआ, उनकी मौत हो गई थी एक हादसे में, उनका इंतकाल हो गया था, उनकी रूह मिलने तुमसे आई होगी।